नमस्कार, मैं हेमंत मिश्रा, सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बता दूं, जिस तरह से दादरा एवं नगर हवेली हमारे सिलवासा जो है वो अलग अलग चीजों के लिए जाना जा रहा है, तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं बॉडी बिल्डिंग पावर लिफ्टिंग की तरफ भी बढ़ा चुका है कदम। बीते दिनों जिस तरह से विक्रम फोगाट जैसे बड़ी हस्ती का आगमन दादरा नगर हवेली में विक्रम राजपुरोहित के जरिए हुआ था, उसके बाद से लेकर अब विक्रम राजपुरोहित और उनकी धर्मपत्नी जो है वर्षा राजपुरोहित, वो किस तरह से एक नया इतिहास रच दी है, वो हमारे प्रदेश के लिए गर्व की बात है। चलिए, जी हाँ, मैं बात कर रहा था पावर लिफ्टिंग की, तो बता दूं आप सभी को कि रसिया में भारत यानी हमारे दादरा नगर हवेली से दो लोग जाते हैं और मॉस्को में होता है एक पावर लिफ्टिंग का बड़ा कार्यक्रम, और उससे गोल्ड और सिल्वर दोनों ही पदक जो है जीतने के बाद जब लोग यहां पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा फर्ज था, सिलवासा न्यूज लाइन का फर्ज था कि इस चीज को आपके समक्ष रखा जाए। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं विक्रम जी और वर्षा जी आप दोनों को कि आप दोनों ने हमारे प्रदेश की यहां से उड़ान भरी और मॉस्को पहुंचकर दो दो नहीं तीन तीन मेडल्स जो है वो आप लोगों ने यहां पर लाया है। सबसे पहले तो बताइए हमारे दर्शकों को कि किस तरह का कार्यक्रम था, क्या कार्यक्रम था और कैसे आप लोगों ने वहां पर अपनी जो है छवि को बनाया। हेमंत जी, बहुत लंबे समय से ये जो हमारी तैयारी चल रही थी, क्योंकि ये एक पावर लिफ्टर का एक सपना रहता है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप खेले और अपने देश के लिए वो मेडल जीते, तो हमारा भी यही सपना था कि हम अपने देश के लिए हम पोडियम पे चढ़े जहाँ पे हमारा तिरंगा भी शान से ले रहे हैं जी। तो उसके लिए हमने तगड़ी मेहनत करके रखी और सिलेक्शन हुआ हमारा बेंगलोर में भी। दो तीन महीने पहले जो चैंपियनशिप हुई थी वहाँ पे भी हम लोग जीत के आए थे, हमारा सिलेक्शन हुआ था। और ये अभी जो 12 से 18 तक हमारा ये चैंपियनशिप चला था रूस के मॉस्को में, तो ये जो है दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों का एक मेला कहे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल, कि वहाँ पे सबसे ताकतवर लोग जो होते हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के भी हम टीम बन के गए। बहुत से जो लोग थे हिंदुस्तान से वो गए थे, और ये सबसे बड़ी हमें गर्व की बात थी कि जिस पावर लिफ्टिंग में वो जो अंग्रेज हैं अपने आप को हमें उनसे कमजोर समझते थे, हमेशा से ये उनका एक भ्रम रहा था कि हिंदुस्तान पावर लिफ्टिंग के लिए सही नहीं है, वहाँ के जीन्स में इतना पावर नहीं है कि ये इस तरह के गेम वो जीत के जाए। तो और वैसा भी होता था कि बहुत कम लोग जाते थे वहाँ पे जी, लेकिन अब धीरे धीरे वो वक्त भी आ गया कि जब हम गए भी वहाँ पे और ये उनके बीच में ही उन्हें हरा के भी हम जीत गए। क्योंकि बात जैसा विक्रम जी ने बोला है, मैं उन चीजों को क्लियर कर देना चाहूंगा, क्योंकि बीते दिनों अगर हमारे भारत के इतिहास की अगर बात की जाए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हम पर बहुत सालों तक जो है हुकूमत की थी। उसके बाद से कहीं ना कहीं दुनिया में ये चीजें चर्चा में रहा करती थी कि हिंदुस्तान के लोग जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मजदूरी कर सकते हैं और तमाम चीजों में आगे बढ़ सकते, लेकिन कहीं ना कहीं इन बातों के तथ्यों को भारत अलग अलग स्तर पर चैलेंज कर रहा है और उसे टक्कर देते हुए विजेता भी ढूंढ कर निकाल रहा है, तो ये बहुत बड़ी गर्व है। आप दोनों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, साथ ही हमारे उन दर्शकों की तरफ से भी। लेकिन साथ ही साथ सर, कहीं ना कहीं ये चीजें भी बहुत मायने रखती है कि जब आप एक छोटे से प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली अलग अलग चीजों में जाता था, आज खासतौर पर बात की जाए तो एजुकेशन की तरफ भी हमारी कदम बढ़ चुकी है, मेडिकल के फील्ड में भी बढ़ चुका है, और कहीं ना कहीं हम पावर लिफ्टिंग और तमाम चीजों में जिस तरह से बढ़ रहे हैं, तो यहाँ के युवाओं को क्या खास संदेश देना चाहेंगे? तो युवाओं के लिए एक मंच देना था, तो हमने वो शुरुआत की। पहले ये साबित करना था कि इसमें फ्यूचर बनता कि नहीं, तो हमने उनके लिए सब इक्विपमेंट प्रोवाइड किए। हम अपनी ट्रेनिंग भी उनके साथ में करते हैं, हर शनिवार को हम यहाँ पे उनके लिए फ्री सेशन रखते हैं, और देखते ही देखते बहुत सारे प्लेयर भी बने हैं। आज हम छोटी मोटी चैंपियनशिप भी यहाँ पे कंटिन्यू रखते हैं, और पहले भी आपको पता होगा हम लोगों ने बड़ी चैंपियनशिप भी नेशनल लेवल के भी हमने यहाँ पे कार्यक्रम करवाए हैं अब्दुल कलाम में वगैरह। तो ये इसका करने का कारण यही था कि लोगों के बीच में बड़े लेजेंड को खेलते हुए इनको दिखाना था, और आज हम उस लेवल पे उस स्तर पे हम खुद खेल के आए हैं अब, और ये हमारे बच्चे जो अभी तैयार हो रहे हैं हमारे प्रदेश के, तो बिल्कुल उनको भी हम इसी स्तर पे खिलाने के सपना देख रहे हैं, और आगे जाके ये मेडल जैसे हमारे गले में है आज यहाँ के युवाओं के गले में भी देखने को मिलेंगे जी। वर्षा जी, खासतौर पर महिलाएं जो है ऐसी चीजों में लगभग हमारे भारत की नागरिकों की बात करें तो महिलाएं कहीं ना कहीं इस चीजों से पीछे हटती थी, हालांकि हर क्षेत्र में लगातार कदम महिलाएं बढ़ा रही हैं और लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर फाइट दे रही हैं, जैसे कि आप खुद दिख रही हैं अपने हस्बैंड के साथ लगातार अलग अलग जगह पहुंच रही हैं और हर चीजों में लगातार परफॉर्मेंस देने के बाद जो है गोल्ड मेडल तक आप जीत कर आ रही हैं, तो उन महिलाओं को खासतौर पर अपने एक्सपीरियंस के साथ क्या आप बताना चाहेंगे? धन्यवाद हेमंत जी ये न्यूज कवर करने के लिए। पहले तो शुक्रिया कि हम सबसे बड़ी बात यह है कि दादरा नगर हवेली से हम निकल के पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले
यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए इतना नहीं था कि तो हम पहले हरियाणा से खेलते थे जी। हम जो भी मेडल्स जीते हम हरियाणा से जीते थे, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग हो या पावर लिफ्टिंग हो। ऐसा पहली बार हुआ है कि दादरा नगर हवेली, वहाँ जब हमारी स्लिप में भी जब नाम आया था तो हम बहुत प्राउड फील कर रहे थे कि दादरा नगर हवेली एक उभर के स्क्रीन पे आ रहा था तब। और जब हमने गोल्ड भी जीता तब स्क्रीन पे भी हमारा नाम था कि दादरा नगर हवेली इंडिया लिखा हुआ था जी। तो ये बहुत प्राउड वाली बात है हमारे प्रदेश के लिए और महिलाओं के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी ये कोई इम्पॉसिबल वर्ड जो हम कहते हैं वो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप कहीं से भी शुरू कीजिए, कहाँ से भी, कोई उम्र का इसमें लिमिट नहीं है। या मैंने भी जब शुरुआत की थी तब मैं 70 किलो का डेडलिफ्ट मारती थी, मुझे भी बहुत शर्म आती थी तब, पर मैं उस 70 किलो में भी मैं ब्रॉन्ज जीत के आई थी, जो एक बहुत बड़ी सफलता की बात है। तो अगर ये भ्रम है आपको कि महिलाएं नहीं कर सकती है या फिटनेस में नहीं आ सकती है, ये ऐसा कुछ नहीं है। मैंने 40 के बाद मैंने पावर लिफ्टिंग में कदम रखा है, 3 साल हो गए पर अभी तक मैं नॉन स्टॉप खेलते जा रही हूँ और मैं खेलते भी जाऊंगी, भले मैं जीतूं या ना जीतूं या कभी हो सकता है कि मैं हार के भी आ जाऊं, पर मेरे कदम कभी नहीं रुकेंगे। ये महिलाओं में हिम्मत होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये थी वर्षा राजपुरोहित जी और विक्रम राजपुरोहित जी थे जिन्होंने बताया कि आखिर किस तरह निरंतर हमारे कदम जो है अग्रिम दिशा में यानी आगे की दिशा में चलते रहना चाहिए। और कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई, पहले दूसरे प्रदेश के लिए खेल रही थी लेकिन जब ये यहाँ रहती है यहीं से इनका सब कुछ है तो दादरा एवं नगर हवेली का नाम क्यों नहीं। तो ऐसे में दादरा नगर हवेली का नाम एक बड़े लेवल पर जाकर बड़े मंच पर दर्शाने के लिए मैं और पूरी दर्शकों की तरफ से मैं इनका आभार फिर एक बार मानता हूं। और साथ ही साथ मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आपकी भी इच्छाएं कुछ बेहतर करने की होती है, कुछ समाज के लिए बेहतर करना होता है या समाज के साथ साथ हमारे प्रदेश के लिए, तो लगातार कोशिश करते रहिए, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहिए और हमेशा आगे बढ़ने की सोचिए ताकि आप हमेशा कुछ ना कुछ मिसाल को कायम कर सकें। फिर मिलेंगे अगली खबर, तब तक ले जय हिंद, जय सिलवासा।